अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम हो चुका है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋषिस किचन में। और आज ऋषिस किचन में क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है बोम मिल फ्राई, क्रिस्पी बोम मिल फ्राई। तो माँ बताओ आप कैसे बनाओगे इसे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम हो चुका है आपका ऋषिस किचन में। और आज हम बनाने वाले है क्रिस्पी बोम मिल फ्राई। तो ये मैंने बोमबिल कुछ आपको बताने के लिए रखी हूँ कि इसको किस तरह काटेंगे और किस तरह हम इसको दबा कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका पानी कैसा पूरा हम निथार लेते हैं तो वो उस तरह से क्रिस्पी किस तरह बनते हैं। तो चलो देखें किस तरह बनता है बोमबिल फ्राई, क्रिस्पी बोमबिल फ्राई ऋषिस किचन में। तो सबसे पहले ये बोमबिल है, बाकी तो मैंने निकाल ली हूँ, तो ये खास कर बताने के लिए रखी हूँ ये बोमबिल है। तो साथ में जो है दाल चावल भी बन रहा है, तो हमारी दाल सीटी कर रही है, इसके लिए आपको आवाज आ रही होगी। अगर मच्छी फ्राई रहती है तो दाल तो बनना जरूरी है। तो ये देखो ये बोमबिल है और ये ऐसा इसका मुंह रहता है, ये इसका विंग्स है और ये इसकी पूंछ है। तो इसको हम किस तरह काटेंगे, बहुत आसान है, कुछ टेंशन नहीं है। इसको खाली हम जैसे एकदम सॉफ्ट रहती है बस इसी तरह हम इसको ऐसा निकाल लेंगे। ये इसकी डूम भी ऐसे आराम से कड़ी आएगी, फ्रेश है एकदम। ये इसकी विंग्स भी निकल गए, देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, हमें इसे इस तरह पकड़ना है और इस तरह बीच में कट लगानी है इस तरह से। इसको कट हम अच्छे तक लगाएंगे ऐसे, पूरा इसका है ना ऐसा खुल जाएगा खुद ही ऐसे। और ये है, ये सब हम निकाल लेंगे साफ करके। और ये काटा है लाल वाला जो आपको दिख रहा है, वो फ्राई होने के टाइम खुद ब खुद बाहर निकल कर आ जाएगा। फ्राई करेंगे ना, फ्राई करने के बाद काटा है ना खुद ब खुद ये जो इसका जो गोश है ना छोड़ देता है। तो इस तरह से आपको काटना है और ऐसा कोई टोकरी ऐसा नेट वाली रहती ना ऐसी झाली वाली, उस पर हम ऐसा इसको रख देंगे इस तरह से। एक और बार दिखा दूँ, ऐसे हम इसको मुंह से निकाल देंगे। अक्सर तो बोमबिल साफ करके देते भी है, लेकिन कभी कभी लोग नहीं भी देते हैं, तो आपको परेशानी ना हो इसके लिए मैं सोची, जैसे कोई बच्चे हैं खाना बनाने में पहली बार बना रहे या उनको नहीं कुछ पता है, तो उनके लिए बहुत एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा रहेगा उनके लिए वीडियो। तो ये जैसे मैंने विंग्स निकाल ली, पूंछ निकाल ली, मुंह ऐसा खाली इतना काटेंगे ना खुद ब खुद पूरा निकल के आ जाता है। बस इसको इस तरह पकड़े, नीचे तक काटेंगे इस तरह ऐसे। और इसमें कोई ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है बोमबिल में, और बहुत क्रिस्पी लगती है और बहुत टेस्टी बनती है इसको फ्राई खाते। तो ये देखिए इस तरह बहुत ही अच्छी लगती है फ्राई करो तो, काटा भी नहीं होता ज़्यादा। और इसको ऐसा रखते जाएंगे हम। ये सारी बोमबिल मैंने देखो इसी तरह निकाली हूँ, ये देखिए आप। ज़्यादा मोटा बोमबिल नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रखना है हमें, ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, इस तरह से बोमबिल लेना है, देख रहे हो इस तरह से। इसको हम ऐसा काटेंगे, ये देख लिए मेरे बोमबिल का साइज, ज़्यादा मोटा नहीं है, देख लो मैं बता दूँ, ये खुला हुआ है और ये बंद है। तो इस तरह का हमें बोमबिल लेना है, ज़्यादा मोटा बोमबिल नहीं लेना है, वो हमेशा तलने में फूट जाते हैं। इस तरह का बोमबिल लेंगे, मैंने सारे बोमबिल ऐसे ही ये इसके ऊपर रख दी हूँ काट के। और ये छोटे वाले बोमबिल है, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। ये बारीक दोनों ली मैंने, तो ये अलग अलग रखी हूँ। तो खास आपको समझाने के लिए आपको बड़े वाले में समझाई हूँ, थोड़े बड़े ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और ये बारीक वाले हैं, टेस्टी बारीक वाले ही लगते हैं, ये देखें है ना। ये सबको मैंने अच्छे से बीच में काट के सबको ऐसे उल्टे करके रख देना है। ऑफिस को हमें आधे घंटे के लिए पानी नितारने के लिए आधा घंटा इसको कम से कम हमें देना है बोमबिल को, कि इसका पूरा पानी निथर जाए। पानी निथरेगा तो बोमबिल उतना क्रिस्पी बनेगा।
तो ये वाला स्टेप करना जरूरी है, वरना वो फूट जाएगा तेल में। ऐसे ज्यादा नहीं फूटते हैं, ज्यादा मोटे रहते ना वही वाले फूटते। एक हमने क्या कर लेना है, ऐसा फूल्स के पेपर बच्चों का रहता है ना, ये एक ले लेंगे, इसको ऐसा रख देंगे इसके ऊपर, ऐसे दबा के इस तरह से, तो ऐसा दबा देंगे हल्के हल्के हाथ से, हम इसको ऐसे दबा देंगे पेपर से। तो ये देखो कितना पानी उसने ले लिया पेपर ने, बस इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे हल्के हल्के हाथ से। ये देख रहे कितना माशाल्लाह पानी पूरा उसने सोख लिया पेपर ने, और सिर्फ हमें आधे घंटे के लिए इसके ऊपर ऐसा रोटी का पतला आता है ना रोटी बेलने का, ये ऐसा रख देंगे। जैसे ही कटोरे के ऊपर हमने इसे ऐसा रख दिया हमारी जाली वाली टोकरी को, और इसके ऊपर हम रख देंगे पेपर है, कौन सा भी फूल्स के पेपर, बच्चों की नोटबुक का। तो आधा घंटा मैंने रखी हूँ बॉम्बिल को, ये देख सकते हो आप पूरा पानी सूख गया है, देखिए बॉम्बिल का एकदम से मस्त सूख गई है बॉम्बिल, एकदम ड्राई हो गई है। ये देखिए इतना पानी निकल गया है धोकर, ये देखो पूरा पानी सूख गया है, मस्त ड्राई हो गई है एकदम, पूरा पानी निथर गया है। सबको हम ले लेंगे एक ही इसमें। तो ये बॉम्बिल मैंने निकाल लिया, अब इसको हम लगाएंगे मसाले, जिसमें सिर्फ दो ही मसाले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी बस। एक एक चम्मच ली हूँ मैंने एक वाटे का हिसाब से, एक वाटा बॉम्बिल था मेरा। इसमें मैं हाफ नींबू का जूस, ये वाला छोटा, इसमें निचोड़ के ऐड कर देंगे, इससे ना क्रिस्पी बनेंगे अपने बॉम्बिल। और ये मैंने ली हूँ चावल का आटा है, ये चावल का आटा है और ये बेसन है चने का आटा, तो ये दोनों को हम सेम क्वांटिटी में डालेंगे। अगर दो चम्मच चने का आटा लेंगे तो दो चम्मच चावल का आटा लेंगे। पहले इसको अच्छे से नमक डाल के मिला लेंगे, मैंने इतना ही नमक ली हूँ थोड़ा सा, और ये रवा है, ये रवे में लपेट के इसको फिर तलेंगे। पहला मसाला अच्छे से लगा लेंगे इसको, मसाला लगा के 5-10 मिनट के लिए इसको रखेंगे हम, अच्छे से मसाला लगा लेंगे एकदम, है ना, ऐसे इसी तरह मसाला लगा के रख देंगे। और फिर ये चावल का आटा, समझो 1.5 चम्मच ली मैंने ये वाला, और ये भी 1.5 चम्मच। इन लोग भी अच्छे से मिला लेंगे। जैसे आप देख सकते हो बॉम्बिल का पानी पूरा अच्छे से निथर गया है ना, इसके वजह से देखो कितने अच्छे से मसाला लग गया, और देखो आटा ऐसा है, है ना, तो इसका मतलब बॉम्बिल हमारा अच्छा सूखा पूरा पानी निथर के अच्छा हुआ एकदम। तो इसी तरह आप भी अपने घर में जब बॉम्बिल आपको नहीं आता है या आप बनाओ, तो इस तरह से आप रेसिपी को मेरी फॉलो करना, तो आपके बॉम्बिल अच्छे क्रिस्पी कड़क मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो देखना, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो मेरी देखोगे तो आपको परफेक्ट क्रिस्पी बॉम्बिल फ्राई की रेसिपी मिलेगी। बस इसी तरह हमें लगा लेना है पूरा, और अब मैं गैस पे रखती हूँ तेल, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलो
तेल गरम करती हूँ और आपको बताती हूँ। इसको भी मैं इसी तरह मैरिनेशन करूँगी जैसे आपको मैंने बड़े वाले बोनबिल में दिखाई। बस इतना ही फर्क है कि वो बोनबिल बड़े थे साइज में थोड़े, ये देखो, और ये बोनबिल छोटे है साइज में, है ना। तो इसमें आपको बराबर समझेगा इसके लिए। नमक डाल देंगे अपने हिसाब से। मिर्ची आपको आपके हिसाब से डालना है, कितनी आपकी मच्छी की बोंबिल की क्वांटिटी कितनी है आपकी, वो हिसाब से आपको आपके मसाले इसमें ऐड करना है के बराबर। मसाले पूरे अच्छे से बोंबिल को कोट हो जाना चाहिए, अच्छे से लग जाना चाहिए, तो इस तरह से आपके आपको मसाले लगाने हैं। ये ऐसे सूखे बोंबिल रहेंगे ना, बिल्कुल भी तेल में फूटेंगे नहीं और अच्छे क्रिस्पी फ्राई होके निकलेंगे। इसको मैरिनेट करके रखेंगे नहीं? इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट तक ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि बस हो गया, उतना टाइम लोगों के लिए काफ़ी है। चलो तो ये हमने हमारी बोंबिल कोसा उठाया, पहले हम डालेंगे इसको रवे में, रवे से अच्छा कोट कर लेंगे दबाकर। फिर हम इसको डालेंगे चने के आटे में, एक लेयर ऊपर से और देंगे। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल अच्छा गरम रहना चाहिए, सबसे पहला रवा कोट करेंगे। अगर तेज खाना पसंद करते हो तो मिर्ची का पाउडर थोड़ा ज़्यादा ले लेना, एक फिर से चने के आटे की लेयर। बोंबिल जल्दी पक जाता है तो उसको देखेंगे, टर्न करेंगे। दो दो मिनट तक इसको हम टर्न करेंगे, 2 मिनट भीग जाएंगे तो टर्न करेंगे, थोड़ी कड़क हो जाएगी ना, आराम से। और ज़्यादा एक साथ नहीं भर देना है, थोड़ा बीच में हमें ना ऐसा गैप भी रखना है तेल में। तो माशाल्लाह से हमारी जो है मछली बस फ्राई होने चले गई है, और आप देखो बिल्कुल आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से एक एक पूरी मछली हमारी फ्राई हो रही है। और बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि अगर बोंबिल घर में बनाएंगे सिर्फ फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगी, तेल में फूट जाती है, तो तेल मसाला सब खराब हो, उससे अच्छा ज़्यादातर लोग बनाते ही हैं। तो आप मम्मी की वीडियो देखिए पूरा, जैसे मम्मी ने प्रोसेस बताया वैसे कीजिए, इंशाल्लाह आपकी मछली बहुत ही अच्छी बनेगी और खाने में तो काफ़ी ज़्यादा ही लजीज होती है। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, बहुत सच में बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखो इस तरह हम इसको अभी निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। इसके पीस माशाल्लाह अपने कटिंग ऐसी हुई है ना, इस तरह से काटेंगे और बनाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन
तरीके से बनेगी आपकी रेसिपी बोमबिल क्रिस्पी बोमबिल फ्राई। तो इस तरह से अच्छे से दबा कर मसाले को फिर झटक लें और फिर तेल में इस तरह फ्राई करें। तो मसाला तेल में नहीं छूटेगा और हमारे मछली पर मसाला अच्छा लगेगा, कोट बराबर होगा। इसी तरह हमें सारी बोमबिल को इसी तरह फ्राई करना है क्रिस्पी। माशाल्लाह से अच्छी ही बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है, देख सकते हैं आप। तो ये हमारी आखिरी है पीस अभी। अब हम डिशॉर्ट करेंगे और दिखाएंगे किस तरह बनी है हमारी क्रिस्पी बोमबिल फ्राई। बिना स्किप किए वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर अच्छी रेसिपी मिलेगी और अच्छे ट्रिक्स के साथ मिलेंगी। तो बिना वीडियो स्किप किए आप ज़रूर देखना क्रिस्पी बोमबिल फ्राई रूशीज किचन पर। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है हमारी बोमबिल फ्राई बोमबिल क्रिस्पी फ्राई। तो देखो आपको मैं दिखा दूँ ये कितनी क्रिस्पी है। तो आप चाहो तो इसे रोटी के साथ खाओ या दाल चावल के साथ खाओ या रुखी खाओ, मेरे को तो ऐसी नॉर्मली पसंद है बिना किसी के। बट हम आपको दाल चावल के साथ खा के दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं माशाल्लाह, पहले मैं आपको ऐसे खा के दिखाती हूँ। हाँ पहले मम्मी को सॉरी। इसकी टेस्ट की कोई बात ही नहीं माशाल्लाह। देखो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी, काफ़ी मज़ेदार है। पानी जितना बोमबिल का निकल जाएगा टोकरी पे रख के छन्नी पे रख के आप उसको ऊपर वजन रख के 15 मिनट के लिए पानी आप इसका निथार लेंगे तो ज़रूर आपके बोमबिल अच्छे क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें दो मसाले, लेकिन इसका जो जायका है बहुत कसम से बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसमें सिर्फ दो मसाले गए और आप जब खाओगे ना इसको ऐसे ही बना के, ज़्यादा कुछ मसाला आप भी मत डालना, आप ही बिल्कुल ऐसा सिंपल बनाना, ऐसा दाल चावल के हर एक बाइट के साथ ऐसा लेके खाओ तो इसका पूरा मज़ा उठा पाओगे आप। दाल चावल के साथ इसका एक अलग ही मज़ा आता है, रोटी के साथ अलग मज़ा आता है और ऐसे ही खाओ तो वाह वाह मज़ा ही मज़ा आता है। तो बिना स्किप किए हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे रूशीज किचन को। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए आप रखें आपका बहुत सारा ख्याल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रूशीज किचन।